विरपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश पटियाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कुलदीप पठानी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, सुमन भारती इत्यादि मौजूद रहे। हमीरपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश पटियाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कुलदीप पठानिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, सुमन भारती इत्यादि मौजूद रहे। ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पटियाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस को एकजुट करने पर पटियाल ने कहा कि कांग्रेस के संगठन को एकजुट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि आगामी दिनों में अच्छे परिणाम मिल सके। आज की बैठक श्रीमती इंदिरा गांधी जी की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रखी गई थी, कि 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मार दी गई थी। तो उनके इस दिवस के ऊपर हमने पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो है वो आज की बैठक रखी है। मैंने जैसे आपने आज भी देखा कि मैंने सबसे मेरा जो मुझे कुलदीप सिंह राठौर आदरणीय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे यही आदेश दिया था नियुक्ति के समय, मेरी नियुक्ति के समय, कि आपने संगठन को एक करना है। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने हर बैठक में जहां भी बात करता हूं, मैं यही कहता हूं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सबसे पहले संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। मैं संगठन में हूँ चाहे ना हूँ, लेकिन संगठन जो है वो उसको मजबूती से काम करना पड़ेगा, तभी आपकी कांग्रेस पार्टी की सक्सेस हो पाएगी। मैंने सभी जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, सुनील कुमार जी थे, उनको वो फ़ोन किया। कुछ एक ने कारण बताया कि हम कहीं जा रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे। कोई बोलता है शादी है तो वहाँ चले गए। मैंने कहा भाई तो आपने बंदे भेजे एक दो, तो उन्होंने बंदे एक एक दो दो करके भेज दिए। हाँ नहीं नहीं मैं उसको जोड़ने की कोशिश, मेरा प्रयास जो हमेशा जारी रहेगा कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके, यानी कि दूसरी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन के टाइम तक तैयार किया।